ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 39 है वैसे ये 39 ना 39 का क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये बताया था कि एक रॉड जब रोटेट कर रही है ना एल लेंथ है तो अगर आपको यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसका तो फॉर्मूला है ये रहा लेकिन अगर आपको यहाँ और यहाँ का निकालना है तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा बाय सिमेट्री वो पोटेंशियल यहां भी होगा और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा ऐसे। ओके सर ठीक है इसी के अंदर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर जो नहीं किया था वो था क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखो प्लीज। तो 9th क्वेश्चन के अंदर दो लूप्स हैं इक्वल रेडियाई कोएक्सियली आमने सामने पड़ी हुई हैं। फर्स्ट इज कट एंड बैटरी इज इंसर्टेड इन बिटवीन टू ड्राइव द करंट इन इट। तो इसके अंदर कट किया और बीच में हमने बैटरी लगा दी। द करंट चेंजेस स्लाइटली बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका चेंज हुआ करंट की वजह से तो करंट जब इसमें जाएगा तो वायर गर्म होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट इसका कम होगा। करंट कम होगा तो इसके साथ की इसका बी कम होगा ये पड़ोस की वायर का भी बी कम कर देगी। जो पड़ोस की वायर है अपना बी इंक्रीज करने के चक्कर में इसके पास आ जाएगी अट्रैक्ट करेगी तो इसलिए दे विल अट्रैक्ट। तो जब भी आप इसका बी कम करेंगे करंट कम करेंगे बी कम होगा ये कॉइल पास आएगी। लेकिन उल्टा भी ट्रू है अगर आप इसका करंट बढ़ाएंगे इसका बी बढ़ेगा तो ये नहीं चाहेगा इसका बी बढ़े ये दूर जाएगा। तो याद रखना करंट कम होगा तो साथ की कॉइल अट्रैक्ट होगी करंट ज़्यादा करोगे तो साथ की कॉइल रिपेल होगी। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट। तो हमने क्या किया एक सोलेनोइड है मान लो ये सोलेनोइड है सोलेनोइड का एक्सिस पे बी इस तरफ है तो सोलेनोइड के एक्सिस पे बी इस तरफ है तो ये कॉइल कैसे पड़ी हुई है ये जो कॉइल है वो ऐसे पड़ी हुई है अलोंग द एक्सिस ऐसे पड़ी हुई है तो बी के साथ अलाइंड है ऐसे। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कहां पर है आपकी तरफ है और बी कहां पर है इस तरफ है तो एरिया में और बी में एंगल क्या बनेगा 90 तो फ्लक्स क्या होगा जीरो तो आंसर इंड्यूस ईएमएफ का भी क्या होगा जीरो कुछ नहीं होगा इसमें। ये भी क्लियर है यहां तक ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। नेक्स्ट शीट नंबर 39 के बाद शीट नंबर 40 देखो इस शीट में पहला क्वेश्चन है पढ़ें जरा क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन है सर्कुलर लूप्स हैं पी एंड क्यू आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर करंट इज फ्लोइंग थ्रू पी पी में करंट फ्लो कर रहा है इफ दिस करंट इज इंक्रीज्ड तो पड़ोस की कॉइल का क्या होगा वो दूर भागेगी अगर कम करोगे पास आएगी इंक्रीज करोगे तो दूर जाएगी अभी हमने किया तो ये क्या करेगी रिपेल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
rectangular coil is placed in a region having a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the coil, and EMF will not be induced in the coil if coil is rotated about an axis perpendicular to the plane of the coil and passing through center O. मतलब जैसे suppose ये coil है, ये रही, तो आपने इसको अगर ऐसे घुमाया तो EMF generate होगी, बिल्कुल होगी. पर अगर आपने इसको ऐसे घुमाया कि एक्सिस ओ में से पास कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पर उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर. या ऐसे कर लो, बी बोर्ड के अंदर है, एरिया भी बोर्ड के अंदर है, तो फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस जीरो. जब आपने इसको रोटेट किया तब भी बी ए कॉस जीरो, ऐसे रोटेट किया तब भी बी ए कॉस जीरो. पर जब ऐसे रोटेट किया तो एरिया वेक्टर बी के साथ कोई एंगल बनाएगा, तो जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो बी और ए में एंगल विल रिमेन सेम. बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स तो होगा नहीं. और अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो ईएमएफ भी पैदा नहीं होगी. समझ में आ रहा है यहां तक? कैसे सोचना है आपने इसमें? टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री. तो देखो, इसमें रेक्टेंगुलर कॉयल है, सिंगल टर्न है, और हैविंग रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड. इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन इट इज रोटेटेड टू 90 डिग्री क्या होगा? देखो, शुरू में बी बोर्ड के, मान लो बी इस तरफ है और ये कॉयल भी इस तरीके से है, तो बी इधर है, कॉयल इधर है, तो बी और ए में एंगल क्या है? जीरो. कॉयल 90 डिग्री घूम गया तो एरिया वेक्टर कहाँ आ गया? ऊपर. बी कहाँ पर है? इधर. तो एंगल क्या हो गया? 90. तो शुरू में फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस जीरो. अब फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90. और ऐसा कितनी देर में? 90 डिग्री का मतलब टी बाई फोर टाइम में, टी बाई फोर. तो इस क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है. तो चेंज इन फ्लक्स क्या है? तो पहले फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस जीरो. अब फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस 90. तो चेंज इन फ्लक्स आ गया. टाइम पीरियड टी बाई फोर में, टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे? 2π/ω. तो टाइम आ गया. ईएमएफ क्या है? चेंज इन फ्लक्स माइनस d∅/dt में चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. आंसर तो समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें? ठीक. फोर्थ. क्वेश्चन है, ये एक फिगर है, फ्लक्स लूप में परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ऐसे चेंज हो रहा है, फाइव टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो ये फाइव मिली वेबर में है, तो ईएमएफ भी मिली वोल्ट में आएगा. दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 सेकंड पे क्या होगा, और डायरेक्शन बताओ आर में क्या होगी? चलो, ईएमएफ की वैल्यू तो निकल ही जाएगी. फाइव पता है, माइनस d∅/dt डिफ्रेंशिएट, टाइम को पुट करेंगे यहाँ पर 2, मैग्नीट्यूड 31 मिली वोल्ट. आंसर
यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि फ्लक्स या बी बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, लूप नहीं चाहेगा, लूप क्या करेगा, लूप अपना बी बाहर कर लेगा, लूप बाहर करेगा ताकि करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर रेजिस्टर में कैसे जाएगा, लेफ्ट से लेके राइट, अपने रेजिस्टेंस में बताना है, तो रेजिस्टेंस में कैसे जाएगा, लेफ्ट से राइट, तो आंसर है 31 मिलीवोल्ट लेफ्ट से राइट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वायर लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और इंक्रीज कर रहा है, आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट कैसे जाएगा। देखो इंड्यूस करंट के लिए आप एक काम करें, इस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक मिनट। जब आपने इसको डिवाइड किया तो बी वैक्टर कैसे है, बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो जब बी वेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ये लूप नहीं चाहेगा, लूप अपना बी कैसे कर लेगा, बाहर कर लेगा, तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी और इसमें भी, तो इन लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे। लेकिन यहां पर आप देखें अगर, तो यहां का करंट इधर जाएगा और यहां का करंट इधर जाएगा, मतलब यहां से जो करंट आ रहा है वो इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां का करंट इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसा फिगर इसमें मार्क करना है जिसके सेंटर वाली वायर में करंट नहीं जाएगा, तो इंड्यूस करंट बाहर से घूम जाएगा, ये इसका आंसर है। इसका आंसर तो एक मैग्नेट जब इसके पास आएगा तो मैग्नेट का कोई पोल नॉर्थ पास आएगा, नॉर्थ पास आएगा तो ये लूप भी नॉर्थ डेवलप करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, आंसर रिपेल है। सिक्स्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डेल्टा फाइव चेंज हो गया और रेजिस्टेंस कॉइल की आर है डेल्टा टी टाइम में, तो कितना चार्ज पास हो गया, हमने फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी किया था, अमाउंट ऑफ चार्ज पास डेल्टा फाइव बाय आर, आंसर। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है एट्थ, तो इसमें एक सर्कुलर रिंग है जिसका एरिया ए है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये लो एक रिंग है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो बी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस जीरो। फिर वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया इसमें और रेजिस्टेंस आर है,
जब रिंग को सडनली स्क्वीज कर दिया, बिल्कुल दबा दिया और एरिया क्या कर दिया, जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, एरिया जीरो, फ्लक्स जीरो। तो पहले फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस जीरो, अब फ्लक्स क्या है, जीरो। तो चेंज इन फ्लक्स क्या है, सिर्फ बी ए। तो कितना चार्ज पास कर गया, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, आंसर। तो फ्लक्स इनिशियली बी ए था, बाद में जीरो हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स बी ए हो गया अपॉन आर, आंसर। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ए और बी है, और इसमें एक काम करो, इसको ए बी को ऐसे बनाओ, इसको नीचे लेके आओ, इसको भी नीचे लेके आओ कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे, ये रहा ऐसे, तो ए को वहीं रखो, बी को यहीं रखो, ठीक है। मतलब ये डायग्राम यहाँ तक और यहाँ तक डायग्राम बिल्कुल सेम कॉपी कर लिया मैंने, कर लिया। जो ये वाला डायग्राम बचा सी डी वाला, ये ना थोड़ा टाइट है, थोड़ा ओपन कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो ये सी है और ये डी है, थोड़ा मोटा कर लिया, अदरवाइज ये टाइट है, बात तो एक ही है, एक ही बात है, मतलब थोड़ा गैप कम था, गैप थोड़ा बढ़ा लिया। करंट की डायरेक्शन देखनी है ना हमने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो अगर बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपना लूप बी भी अंदर कर लेगा, और करंट कैसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, ऐसे। तो कैसे, ए से बी और डी से सी, ए से बी और डी से सी, आंसर। तो ये बेस्ट तरीका है, इसको ओपन करके देख लो, थोड़ा खोल लो, खोल के क्लियर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसमें लगाऊंगा ना तो लूप लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा हाथ, इसको थोड़ा नीचे कर लो, ये देखो नीचे कर लिया, बात तो एक ही है, इसको ऊपर लेके जाओगे डायग्राम तो सेम ही है, इसमें से फर्क क्या है, कुछ भी नहीं, तो समझने के लिए ज़्यादा आसान है ये। तो नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करके चला गया, देखो तो जब पास आ रहा है तो फील्ड मान लो इंक्रीज हो रहा है, जब दूर जा रहा है फील्ड कम हो रहा है, तो करंट अपनी डायरेक्शन को पक्का चेंज करेगा ही करेगा, तो डी ऑप्शन है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो जैसी होगी वो नहीं उसने पूछा, जैसी भी होगी एक बार क्लॉकवाइज तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज होना ही होना है, ठीक। नेक्स्ट 41, ये रहा क्वेश्चन,
तो देखो इस क्वेश्चन में एक लॉन्ग सोलेनोइड है, करंट आई है, तो एक बात बताओ कि इसके अंदर जो बी होगा वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, इसके अंदर बी वेक्टर ऐसे होगा। एक चार्ज को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरेगा। अब क्योंकि चार्ज बी के साथ नीचे गिरेगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बी की डायरेक्शन में चलता है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो वो ग्रेविटी के अंडर गिरेगा, तो आंसर जी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी मैग्नेट के अंदर। तो वो तो पहले रिपेल करता है, वो उसे पहले रिपल्शन मिलेगी उसे, फिर अंदर जाके कुछ नहीं मिलेगा उसे, फिर जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अट्रैक्शन मिलेगी उसे, ऐसे पहले लेस देन जी होगा, हमेशा लेस देन जी होगा, बीच में जी होगा, फिर लेस देन जी होगा, क्योंकि पहले आने से रोक रहा है कॉइल, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो आने से रोक रहा है, तो जी से कम होगा, रिपल्शन होएगी, फिर बीच में फंस गया तो जी हो जाएगा, ना रोक रहा है ना कुछ कर रहा है, फिर जब दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो भी जी से कम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो फिगर शोज टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, और ए बड़ा बी से दिख रहा है, और ये वायर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो अगर अरेंजमेंट को हमने रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या डी वी बाई डी टी के कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो डी वी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर की लैम्डा है, तो लैम्डा का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा इंटू 2 पाई, और अगर इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई बी है तो रेजिस्टेंस क्या है, लैम्डा इंटू 2 पाई बी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है पूरे की, लैम्डा इंटू 2 पाई ए प्लस लैम्डा इंटू 2 पाई बी। आपको इसमें इंड्यूस करंट निकालना है, करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो एक तो यहां से हिंट पता लग रहा है, बाय रेजिस्टेंस में ए प्लस बी तो आना ही बनता है, 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई ए, लैम्डा इंटू 2 पाई, पाई से पाई कट गया होगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी बनता है, मतलब पता लग ही रहा है कि डी ऑप्शन है। पर चलो अगर कर लिया जाए इसे, तो ऐसे करते हैं इसे, तो इसको करने के लिए जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इसमें बी बोर्ड के अंदर है, इसमें एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है बी ए कॉस जीरो, इसके अंदर भी बी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है बी ए कॉस जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल फ्लक्स बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, बी इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस बी इंटू पाई बी स्क्वायर, टोटल फ्लक्स आ गया। करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाली, ये लिखने लगा हूँ मैं, वन बाय रेजिस्टेंस, फ्लक्स की जगह पाई बी इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, डीटी की जगह टाइम, बी बाय टाइम गिवन है के, डीवी बाय डीटी के, तो इसकी जगह क्या आ गया के, बाकी ये टर्म आ गई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक, तो समझ में आया कैसे किया, ठीक, इसमें देखो, इसमें इसमें बी ए फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू पाई ए स्क्वायर, इसमें क्या होगा, कैपिटल बी इंटू पाई बी स्क्वायर, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्लियर है, ई एम ए बाई रेजिस्टेंस। अब न्यूमिनेटर में डी फाई पुट कर रहा हूँ, डी फाई की जगह बी इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीटी की जगह टाइम पुट कर रहा हूं और रेजिस्टेंस की जगह आर पुट कर रहा हूं। डीबी बाय डीटी क्वेश्चन में गिवन है के, तो इसकी जगह के पुट कर रहा हूं और रेजिस्टेंस की जगह 2 पाई ए इंटू लैम्डा 2 पाई बी इंटू लैम्डा, यहां से आंसर। बहुत पतला ये ज्यूम किया ना,
कि ये बहुत पतला है और इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो पूरी रिंग्स ही कंसिडर की। अब मैं इतनी मैथ नहीं लगा सकता ना कि सर्कमफ्रेंस 2πa, इसमें से ये साइड काट दो, ये बहुत स्मॉल है, निगलेक्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आया, ये देखो, ये इसका आंसर ट्विस्ट कर दिया। में क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर बी और एरिया में एंगल जीरो, बी और एरिया में एंगल जीरो, जब आप इसे पलट दोगे, ऐसा पलट दोगे, तो बी और ए में एंगल जीरो, बी और ए में एंगल 180, क्योंकि ये उल्टा हो गया ना, उल्टा हुआ एरिया वेक्टर बाहर आ गया इसका, तो बी ए कॉस 180, तो इसलिए फ्लक्स के अंदर यहाँ पर पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, बस ये फर्क है, समझ आ रहा है, क्योंकि बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 180, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट थोड़ा होती है, वो तो ऐड ही होगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, तो क्या क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, तो ये प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन बतानी है करंट की क्या होगी, बेस्ट तरीका बताता हूँ इसका, सी डी को ऐसे ही रखा हमने, रख दिया, ये वायर देख रहे हो, ये वाली वायर जो ऊपर से निकल के आ रही है, ये तो नीचे है, ये तो नीचे है, ऊपर से इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे रेक्टेंगुलर वायर बन जाएगी, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें B ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, चेक करो ये बनेगा, खोल दो ना इसे, उल्टा करके खोलो, ये वाली वायर है ना ऊपर आ रही है, इसको उल्टा कर दो, तो देखो ये खोल दिया, इसको नीचे कर दो ऐसे, इसमें बल पड़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आसान है, क्योंकि B इंक्रीज हो रहा है, तो ये नीचे आएगा, ये अपना B कैसे कर लेगा, बाहर कर लेगा, तो करंट कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो B से A, डी से सी, बी से ए, डी से सी, आंसर जरूरी, आपने इसको ट्विस्ट करके करना है। मैंने इसको खोल दिया, ये ना वायर मुड़ी हुई है ऐसे, था तो ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम टाइप, किसने ऐसे पलट दिया इसे, मैंने खोल दिया, तो जब खोला तो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे किया, बी ऊपर ए नीचे आ गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रहा है, तो ये अपना बी लूप कैसे करेगा बाहर, ऐसे, तो आंसर सेम रहेगा, नहीं करेंगे सी को, पता है क्यों, जो वायर ऊपर से निकल रही है, ऊपर से उसको खोलना है, नीचे वाली को नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, ऑब्वियसली इसको भी नहीं करना, इसको क्यों छेड़ेंगे, तो जो ऊपर से निकल के आ रही है उसको ठीक करोगे तो ये रूप बनेगा, कर भी सकते हैं आप ऐसे कर लो, फिर उल्टा, फिर सी को नीचे कर लो, फिर ध्यान से करना कि रेक्टेंगल बन जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और ही बन जाए, नॉर्मली जो मैंने देखा है, जो वायर ऊपर से निकल रही है उसको पलट दो, नीचे बेस को ना हिलाओ, पलट लो, वैसे कर लो, खोलो ना खोलो, अच्छा चलो मत खोलो, खोलो ही मत, जरूरी पंगे लेने हैं, मत खोलो, ऐसे ही लगा लो रूल, तब भी तो आई जाएगा, तो ऐसे लगाओगे बस करंट ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा आपको, बस और तो कुछ नहीं होगा, लग तो ऐसे भी जाएगा,
तो अगर आप इसमें लगाओगे तो करंट तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, पता लग ही रहा है वो तो, कि अगर बी ऐसे बी अंदर इंक्रीज हो रहा है तो आप बी ऐसे कर रहे हो ना, पता ही है यहाँ पे लगेगा। तो जब करंट ऐसे जाएगा डी से सी, तो यहाँ से होता हुआ बी से, मत करो ऐसे कर लो यार, छोड़ो बात ही खत्म। छोटे हाँ तो छोट इस लूप में, इस लूप में आंसर नहीं आएगा ना फिर, क्योंकि तू उल्टा उल्टा कर रखा है किसी ने, हाँ तो फिर आंसर नहीं आएगा ना, अभी तो कह रहा हूँ लगा के देखो। तो बेस्ट तरीका तो वही ढूंढा मैंने, मैंने तो ये सोचा हर जगह लगा के फिर देखा कि खोल ही लो, तो जितने क्वेश्चन ट्विस्ट वाले हैं मैं खोल लेता हूँ, खोल के आंसर निकाल देता हूँ। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी ऐसे बहुत किया था, जो ट्विस्ट कर रखे उसको खोल लो, और क्या कर सकते हैं, नहीं तो अपना मेथड बना लो, रूल तो तुम्हें भी उतना इक्वल आता है जो मुझे आता है, लगा लो तो इसमें लगा के देख लो आंसर क्या आएगा। प्रॉब्लम पता आएगी, यहाँ तो लग रहा है, यहाँ लगाओगे तो यहाँ ध्यान से लगाना पड़ेगा क्योंकि ट्विस्ट भी वायर है, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो बेस्ट है पहले खोल लो, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैथमेटिकल प्रूफ तो बड़ा है, आप प्लीज ऑप्शन देख देख के एलिमिनेट करो। एक बात बताओ, जब ये ट्राइंगल नीचे निकलेगा तो इसका एरिया कम होता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, चाहे बी कांस्टेंट है पर एरिया कम होता जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जैसे ही इसका ये जब बाहर निकलेगा तो करंट एकदम बढ़ेगा, करंट आ जाएगा, फिर धीरे धीरे एरिया कम हो रहा है, कम 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 कम, और फिर बिल्कुल ट्राइंगल बाहर निकल गया, करंट एकदम क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। तो एंड करंट जीरो बनेगा ही बनेगा, ये तो हो नहीं सकता, करंट कांस्टेंट तो आने से रहा, करंट जीरो नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियल है, करंट जीरो हो रहा है पर पैराबोलिक तो कभी भी नहीं बनता ग्राफ, और अगर बनता भी है तो जीरो से करंट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब लूप स्टार्ट करेगा अपनी ईएमएफ तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट से तो स्टार्ट करेगा आई से, और फिर जाके जीरो होगा, तो जीरो से जीरो नहीं होने वाला, तो आई से जीरो होने वाला है इस तरीके से। वैसे अगर मैथमेटिकली करना है थोड़ा लंबा काम है, तो मैथमेटिकली आपको तो क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी आपको ऐसे स्मॉल एरिया, क्योंकि एरिया इज चेंजिंग विद टाइम, तो इसकी स्ट्रिप में ऐसा लेना पड़ेगा कि इसकी जो लेंथ है, जैसे वो मान लो dx है और ये जो लंबाई है वो l है, तो स्मॉल एरिया आएगा l इंटू डी एक्स, जो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है, रादर ये साइड भी चेंज हो रही है, ये साइड भी चेंज हो रही है वैसे तो, तो आप इसे फ्लक्स निकालेंगे b इंटू एरिया l इंटू डी एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी v देगी आपको, फिर वहाँ से आप इंड्यूस ईएमएफ से रेजिस्टेंस को डिवाइड करके करंट निकालेंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको एक वेरिएबल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, उसके साथ आपको कैलकुलस लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया चेंज की प्रॉब्लम इतनी आसान रहेगी नहीं। तो बेस्ट तरीका यही है, आप हिट एंड ट्रायल करें और हिट एंड ट्रायल से आपका आंसर बन जाएगा इसमें। हाँ, जिसमें एरिया चेंज होते हैं और जिसमें फ्लक्स चेंज होता है वो अगली असाइनमेंट का काम है, मैं आपको बताऊंगा फ्लक्स चेंज जब होते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी आने वाला है तो उसके अंदर देखेंगे, उसमें कई क्वेश्चन में फ्लक्स ही चेंज हुए जा रहे हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मेरे को इतना पता है कि दो लूप्स हैं, इनमें करंट है। अब जब आप इन्हें पास, देखो जब आप इसे पास लेके आएंगे तो एक दूसरे का ना फ्लक्स बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे,
और लूप नहीं चाहता कि उसका बी बढ़े, तो फटाफट अपने अंदर करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि क्या हो जाए, अपने बी को कम कर सके आप पास। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो आप जब एक करंट कैरिंग वायर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट और दूसरा भी मैग्नेट है, तो आप दो चीज़ों को पास लेके आ रहे हैं, तो लेंज लॉ कहता है कि ये पास नहीं आना चाहते, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर करंट को ही चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे ताकि अपना बी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और रिपेल कर सके, तो करंट विल इंक्रीज। और वैसे भी अगर करंट दो अगर वायर्स हैं कोएक्सियल हैं और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दो लूप हमेशा रिपेल करते हैं, और आप जबरदस्ती और पास लेके आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ और ज़्यादा रिपेल ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शीट नहीं मिली आपको, देखो इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग है वो ना नीचे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड के नीचे आएगी तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी बीएलवी, तो बीएलवी में जब एक वायर मान लो ये रॉड है, अगर रॉड नीचे आ रही होती विद द वेलोसिटी ऑफ वी तो मोशनल ईएमएफ क्या होता, बीएलवी। पर यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जब वायर टेढ़ी है तो हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, टू आर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी into length into velocity, BLV, तो BLV में B into 2R into velocity, ऊपर वाला, अच्छा एक मिनट, तो ये point clear है। अब point ये है कि motional EMF तो BLV है ही है, direction क्या होगी, देखो अगर आप इसको ये join किया हुआ आपने और velocity V नीचे है तो Fleming का right hand rule current कैसे इसमें पैदा करेगा, B board के अंदर है और थंब नीचे है तो करंट कैसे होगा, राइट होगा, बी बोर्ड के अंदर है, थंब नीचे है, करंट राइट होगा, तो करंट राइट होगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्यू जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और पी आपका लोअर पे, प्लस हमेशा हायर होता है माइनस हमेशा लोअर होता है, तो क्यू जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, आंसर ठीक, कैसे सोचा था हमने आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला, ये क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा लंबा किया हुआ है पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके अंदर एक रॉड है, एक रॉड नीचे आ रही है, घूम नहीं रही, एक रॉड नीचे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ वी गिवन है, जरा वी वेक्टर, तो एक रॉड आप ऐसा लो, ये रॉड है, ये रॉड नीचे गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो रॉड की अगर लेंथ L है, हम मोशनल EMF में जो वेलोसिटी लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, तो एक काम करते हैं इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लेते हैं, ये लेने के लिए अगर आपको ये एंगल क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो ये एंगल भी क्या गिवन है, थीटा, तो V का एक कॉम्पोनेंट रॉड के साथ जाएगा V cos थीटा और एक परपेंडिकुलर V sin थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इमोशनल ईएमएफ का बी एल इंटू बी साइन थीटा, बी एल बी साइन थीटा आंसर है, ठीक। और यहां पर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ शायद 2L है, L नहीं है, इसकी लेंथ 2L है, तो लेंथ अगर L और L 2L है तो इस केस में ये देखो लेंथ 2L है, तो
पिछले आंसर ट्वाइस आएगा, बी इंटू आई बी एल वी में लेंथ को 12 पुट करना है, ठीक। नेक्स्ट एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन है इस की रेजिस्टेंस आर है, यहाँ की रेजिस्टेंस आर है, इस रॉड की रेजिस्टेंस भी आर है और वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपको इसमें बताना है कि करंट वायर में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा। तो पहली चीज माइंड में ये आती है कि आर 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 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आप ये समझें कि इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा मोशनल ई एम एफ बी एल पी। तो इमेजिन करें कि मोशनल ईएमएफ की वजह से यहां पर एक बैटरी इमेजिन कर लें जिसकी ईएमएफ क्या है, बी एल वी। तो हमने पहले भी किया था रॉड अगर मूव करती है उसकी जगह इमेजिन कर लें एक बैटरी लगी हुई है ऑफ ईएमएफ बी एल वी। अब बी एल वी में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये करने के लिए राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आ गया। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन गया। सोचो यहां बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं आर एंड आर, तो आपका डायग्राम ऐसा बन गया क्योंकि वो जो दो एक्सटर्नल है वो तो पैरेलल में आर बाय टू, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर बाय टू, आंसर करंट आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि करंट की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमने क्लास में ये किया है कि अगर आपके पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ अगर L है और ये पॉइंट P है जिसके अबाउट रोटेशन है, तो अगर ऐसे ये रॉड घूमती है तो P और Q में EMF की वैल्यू क्या होगी, हाफ B ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी EMF की, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, पर प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहा है कि O पॉइंट रेफरेंस का पॉइंट है, ये रॉड पूरी की पूरी घूम रही है, पी पॉइंट भी घूम रहा है, पूरी रॉड गोल घूम रही है, लेकिन एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ओ से। तो आपको निकालना है पी और क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हाँ ये मैं बता सकता हूं कि क्योंकि बी बोर्ड के अंदर है, नहीं सॉरी बी बोर्ड के बाहर है, डॉट है, बी बोर्ड के बाहर है, रॉड ऊपर जाएगी घूमते हुए, तो करंट कहां पर आएगा, मेरी तरफ। तो मेरी तरफ का मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि क्यू हायर पोटेंशियल पे है, पी लोअर पोटेंशियल पे। तो मुझे क्वेश्चन में निकालना है वी क्यू माइनस वी पी, ठीक है। रूल समझ लो, जब कोई रेफरेंस पॉइंट इस रॉड के बाहर है तो पहले आपने पॉइंट लेना है पी और लेना है ओ, और आपने निकालना है वी पी माइनस वी ओ। तो वी पी माइनस वी ओ के लिए इमेजिन करो कि यहां पर ये रॉड नहीं है, रॉड इसके बीच में अगर होती
पी और ओ के बीच में अगर होती तो वीपी माइनस वीओ की वैल्यू क्या निकलती, वीपी माइनस वीओ की वैल्यू निकलती हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई कितनी है एल। और फिर आप निकालेंगे क्यू और ओ, इमेजिन करें एक रॉड पूरी लंबी है और क्यू और ओ के बीच में अगर लेंथ लें वो टू एल है, क्यू और ओ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हाफ बी ओमेगा इंटू टू एल का स्क्वायर। तो आपने कुछ नहीं करना, एक बार P और O पॉइंट लेना है, एक बार Q और O पॉइंट लेना है, इमेजिन करना है दो रॉड्स P और O में घूम रही हैं, Q और O में घूम रही हैं, दोनों फॉर्मूलास को लिखें और दोनों को माइनस करें, माइनस करेंगे VO VO कैंसिल, कॉमन पॉइंट कैंसिल हो गया तो VQ माइनस VP कैन बी कैलकुलेटेड, दोनों को माइनस करके आंसर। तो जब भी कोई पॉइंट रॉड के बाहर है तो कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है, तो पहले P और O फिर Q और O दो इक्वेशंस, दोनों को माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक, जैसे फिर से करते हैं, जैसे सपोज करो फिर से क्वेश्चन नंबर टू, फिर से रॉड घूमेगी, फिर से बी बाहर है, इस बार ओ पॉइंट यहां पर है, तो फिर से काम करेंगे, पहले इमेजिन करेंगे पॉइंट पी और ओ के बीच में तो लेंथ क्या है एल, फिर इमेजिन करेंगे पॉइंट क्यू और ओ के बीच में लेंथ क्या है रूट टू एल, क्योंकि ये भी एल ये भी एल, तो क्या बनेगा रूट टू एल। तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये देखो सबसे पहले P और O के बीच में हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, फिर Q और O के बीच में हाफ बी ओमेगा इंटू रूट टू एल का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे VO से VO कैंसिल, VQ माइनस VP की वैल्यू आ जाएगी आंसर, रूल वही रहेगा, बस लेंथ आपने देख लेनी है लेंथ क्या उसमें होगी। ठीक है, देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन है क्या, इसमें बी चेंज हो रहा है एक्स के साथ, वेरिएबल है बी, देखो एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप, ये रहा स्क्वायर लूप, इस स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फील्ड में है, प्रॉब्लम ये है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर है और बी नॉट एक्स का मतलब एक्स अगर बढ़ता जा रहा है तो बी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो बी हर वक्त चेंज हो रहा है। इस लूप को 180 डिग्री पलट दिया, ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन फ्लक्स क्या होगा। अगर बी कांस्टेंट होता, क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें मान लो बी भी बोर्ड के अंदर है, एरिया भी बोर्ड के अंदर है, बी ए कॉस जीरो, जब ऐसे पलट गया तो एरिया वेक्टर बाहर आ गया तो बी ए कॉस 180, मैं दोनों को माइनस कर लेता मेरा आंसर आ जाता। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर फ्लक्स वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या हो रही है चेंज, जब बी चेंज हो रहा है और आपको फ्लक्स निकालना है तो और कोई तरीका नहीं है, इंटीग्रेशन ही तरीका है। पॉइंट समझ में आ रहा है, जैसे आप सिर्फ पहला लूप ले, बस ये ले लें ए बी सी डी, अब बी की वैल्यू यहां से यहां चेंज हो रही है, तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं पूछूं बी की वैल्यू क्या है, तो एक्स डिस्टेंस पे बी की वैल्यू है
बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू कितना एक्स। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहां पर, ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ एल है और ये डिस्टेंस क्या है डी एक्स, तो एरिया क्या है एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स एरिया। तो यहां पर स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा एल इंटू डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी नॉट एक्स, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जीरो से लेके एल तक क्या कर देंगे इसे इंटीग्रेट। ये देखो तो बी इंटू एरिया एल डी एक्स है, बी का फॉर्मूला क्या है बी नॉट इंटू एक्स, जीरो से एल क्या किया इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके इनिशियल फ्लक्स आ गया। फाइनल फ्लक्स में क्या होगा इसको पलट दिया, जब पलट दिया तो बी इंटू एरिया एल इंटू डी एक्स, लेकिन कॉस ऑफ 180 भी होगा तो एक नेगेटिव 180 की वजह से लगेगा, और लिमिट क्या लगेगी लिमिट लगेगी इसकी लिमिट थी 0 से L, इसकी लिमिट है L से 2L, तो लिमिट क्या लगेगी फाइनल में L से 2L। इंटीग्रेट करें फाइनल फ्लक्स, फिर दोनों को माइनस करें मैग्नीट्यूड निकाल लें चेंज इन फ्लक्स। तो ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें B की वैल्यू क्या हो रही है चेंज, और जब जब B की वैल्यू चेंज होगी फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही यूज करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अंदर से खाली है और ये मटेरियल है, तो एनुलर डिस्क का अंदर का रेडियस ए और बाहर का रेडियस बी है, ये एनुलर डिस्क है। तो एनुलर डिस्क है ये घूम रही है विद ओमेगा, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन इनर एंड आउटर एज, यानी कि क्यू और पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक डिस्क की थी हमने, डिस्क अगर रोटेट करती है तो उसमें रॉड वाला फॉर्मूला लगता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कितना हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, हमने एनसीईआरटी के लेक्चर में किया हुआ है। तो एक काम करते हैं वही सेम प्रॉब्लम निकालना क्यू और पी में है, तो पहले मान लेते हैं कि पूरी की पूरी डिस्क है कटी नहीं हुई, एक पूरी कंप्लीट डिस्क है, पी और ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी ओमेगा इंटू बी स्क्वायर, और फिर एक डिस्क ये लेते हैं अगर ये डिस्क रोटेट कर रही है तो Q और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, फिर दोनों को माइनस करेंगे VO VO फिर से क्या हो जाएगा कैंसल और आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, क्लियर है यहाँ तक तो क्या फॉर्मूला लगेगा समझ में आ रहा है, मतलब सेम ही पॉइंट है O रेफरेंस पॉइंट है, फिर से पहले P और O निकाल लिया फिर Q और O निकाल लिया फिर VO VO कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिफ्थ को नहीं करेंगे अभी, सिक्स्थ भी नहीं, आगे करने से पहले एक और टॉपिक करना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।